बाइक गुरु में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो बाइक के चैन कवर आते हैं हीरो के, जो जेन्युइन चैन कवर है, एक प्लास्टिक में चैन कवर आता है, तो इनका रेट का क्या डिफरेंस है और कौन सा अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, ये जेन्युइन चैन कवर है, आप देख सकते हो हीरो की मार्किंग लगी हुई है और आप इसके पार्ट नंबर भी देख सकते हो यहाँ पर लिख रखे हैं। और इसके MRP है 300 रुपये, मतलब कि ये सिंगल चैन कवर है उसकी MRP 300 रुपये है। फिर एक इसके नीचे दूसरा पार्ट आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी MRP भी आपको 300 रुपये में दिखेगी। तो दो चैन कवर हैं, तो ये आपको 600 रुपये के दो चैन कवर पड़ेंगे। अगर आप सिटी से बिलोंग करते हो तो आप लोहे के चैन कवर आते हैं, जो हीरो के ओरिजिनल चैन कवर आते हैं, वो डलवा सकते हैं। दिक्कत क्या होती है कि हम गांव, जो आप गांव से बिलोंग करते हैं, उसमें क्या होता है कि कभी कभार आपके जो गाँव के रास्ते होते हैं उसमें पानी भरा होता है, तो वो चैन कवर में जल्दी जंग लग जाता है इस वाले चैन कवर में, लोहे के चैन कवर में, और इसकी पेंट काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से ख़राब दिखने लग जाता है। तो अब ये प्लास्टिक के चैन कवर आने लग गए हैं, आप देख सकते हो जो बजाज की बाइक आती थी उसमें प्लास्टिक के चैन कवर दे दिया बाइक ने, जो बजाज कंपनी ने, और जो हीरो की अब BS6 निकली है उसमें भी प्लास्टिक के चैन कवर आने लग गए। लेकिन क्या हुआ कि जो पुरानी वाली स्प्लेंडर थी उसके जो चैन कवर आते थे वो प्लास्टिक के नहीं आए, क्योंकि जो नई बाइक लॉन्च की है बाइक कंपनी ने, जो BS6 के नाम से लॉन्च की है हीरो की, तो उसमें क्या है कि पीछे का जो टायर है उसमें लेदर का साइज़ बढ़ा दिया, ब्रेक शू का जो साइज़ आता है वो बढ़ा दिया, जिससे कि चैन कवर का जो गैप है वो काफ़ी बढ़ गया है। और ये अगर हम प्लास्टिक के जो नए वाले चैन कवर उसमें इंस्टॉल करेंगे तो जो पिछला जो रियर चक्का होता है चैन सेट का, उस जगह पर काफ़ी गैप दिखाई देगा और वो अच्छे से सेट नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हो मार्केट में चैन कवर मिलते हैं प्लास्टिक के, ये ओल्ड है स्प्लेंडर ओल्ड, जो जिसमें छोटे लेदर डलते हैं, ब्रेक शू छोटे वाले डलते हैं उसके लिए है। और इसकी MRP आपको ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेगी, आप देख सकते हो यहाँ पर 255 रुपये लिखे रखा है, तो ये आपको मिल जाएंगे आफ्टर मार्केट आप लोगे तो 200 रुपये से लेके 180 रुपये के करीब आपको ये चैन कवर मार्केट में मिल जाएंगे। और आप इंस्टॉलेशन करवाओगे, इंस्टॉल करवाओगे तो आपको 250 रुपये या 300 रुपये के करीब इसको आप इंस्टॉल करवा सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके अगर पुराने चैन कवर है तो इसमें जो चैन कवर के नट लगते हैं 4, अगर वो पुराने वाले यूज हो जाएंगे, अगर आपके चैन कवर नहीं है तो वो नट के एक्स्ट्रा रुपीज़ लगेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग रेट ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन आप अगर लोहे के चैन कवर इंस्टॉल करवाओगे तो ये आपको 600 रुपये के तो करीब आपको चैन कवर पड़ेंगे, प्लस में इंस्टॉलेशन का अलग से चार्ज होगा, तो ये आपको 650 या 700 रुपये के करीब इसका खर्चा आएगा। लेकिन ये आप इंस्टॉल करवाओगे तो आपको ये 300 रुपये में पड़ जाएंगे। कंपेरिजन क्या है कि ये चैन कवर कभी ख़राब नहीं होंगे, न इसमें जंग लगेगा, लोहे के चैन कवर की लाइफ कम होती है। तो इसमें डिपेंड करता है, अगर आप सिटी से बिलोंग करते हो तो आप ओरिजिनल पार्ट्स डलवाएं, अगर आपका जो आप जहाँ पर बाइक यूज करते हो वहाँ पर ज़्यादा कीचड़ होता है, पानी होता है, जिससे कि जंग लग जाती है, जैसे कि हम राजस्थान साइड रहते हैं तो उस साइड पानी ख़राब होता है, थोड़ा सा खारा पानी होता है, जिसकी वजह से बाइक में जंग जल्दी लग जाता है, तो चैन कवर जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उस जगह पर आप प्लास्टिक के चैन कवर यूज करें, काफ़ी अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर सिटी से ऑन रोड आप बाइक चलाते हो तो आप लोहे के चैन कवर यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसमें फ्रेंड्स आप बजाज की बाइक के चैन कवर लेना चाहते हैं तो बजाज की बाइक के चैन कवर भी हमारी जो शॉप पर है आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप देख सकते हो इसका MRP 330 रुपये है, तो ये आपको 300 रुपये के करीब आपको बजाज के मिल जाएंगे। और प्लस में आप हीरो के लेने चाहते हैं तो हीरो के आपको प्लास्टिक में भी और लोहे में भी दोनों ओरिजिनल और मीडियम क्वालिटी दोनों चैन कवर मिल जाएंगे, हमारी शॉप पर अवेलेबल हैं। आप अगर लेना चाहते हैं तो शॉप पर विजिट करें और कमेंट में आप बताएं कि आपकी बाइक कौन सी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको चार्ज बता देंगे कितने रुपए में आपको कितना कौन सा चैन कवर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।